हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कैसे फिक्स करें आर्टिफिशियल नेल्स। क्योंकि मेरे नेल्स बड़े छोटे थे और मुझे चाहिए था कि थोड़े नेल्स बड़े हों सो दैट मैं नेल आर्ट कर सकूं। फिर मुझे याद आया ये मीशो का किट जिसमें मुझे बहुत सारे नेल्स मिले थे। आज इसको ट्राई करते हैं ये कैसा लगता है। अपने नेल की साइज़ का एक नेल लेंगे और इसके साथ ही आपको ग्लू भी मिलता है। आप ग्लू या तो मार्केट से खरीद सकते हो या फेविक्विक भी यूज़ कर सकते हो। और इस पर हल्का सा लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, और नेल पे लगा के और इसको नेल्स पे रख के अच्छे से प्रेस करेंगे तो ये नेल्स पे फिक्स हो जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे हो। अगर आपको ये सेम साइज़ चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज नेल को आप कट कर लो, फाइल कर लो। मुझे इतना ही बड़ा नेल चाहिए था तो मैंने इतना ही बड़ा रहने दिया। फिर इस पर मैंने लगाया है ब्लैक कलर का नेल पेंट। नेल पेंट थोड़ा थिक हो गया है पर कोई नहीं, हमें इसके ऊपर से फिर दूसरा कलर लगाना है। फिर इसके ऊपर ये जो टेप है, ये टेप भी मुझे इस किट में ही मिली थी। इस किट का जो वीडियो है वो मैं लिंक में शेयर कर दूंगी। और इसके साथ फिर टेप को इस पे चिपकाना है। चिपका के इसके ऊपर से फिर रेड कलर अप्लाई करना है। रेड कलर नीचे ऊपर तो लगाया है मैंने, फिर बीच में हल्का सा इसको मैसी लुक देने के लिए लगाया है सो दैट कि एकदम ही ब्लैक एंड रेड ना दिखाई। अब इसके ऊपर हम हल्का सा ग्लिटर लगाएंगे। ग्लिटर भी किट में ही मिला था, मैंने येलो कलर का ग्लिटर लिया है ब्लैक एंड रेड के साथ। क्रिसमस पे वो अच्छा लगेगा तो मैंने ऊपर और नीचे रेड वाले पार्ट पे लगा दिया है, बीच का जो रेड पार्ट है उस पर नहीं लगाया है। इसके बाद मैंने टेप हटा दिए हैं।